वेलकम दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिली पनीर। तो मैं देखिए मैं कैसे बनाती हूँ चिली पनीर, और सभी को बहुत पसंद आता है। तो आइए दोस्तों बनाते हैं चिली पनीर किरण की रसोई से। तो मुझे उसके लिए सबसे पहले तो क्यूब में कटा हुआ पनीर चाहिए, और मैं ले रही हूँ कुछ लंबे प्याज कटे हुए। 3 प्याज मैंने लिए हैं एक बाउल भर कर। मैंने मोटी काटी हुई शिमला मिर्च ली है, और मैंने 4 बड़े टमाटर को बॉईल कर और ब्लांच करके उन्हें मिक्सी में पीस लिया है। और साथ ही मैंने 2 प्याज और 4 लहसुन की कलियां और आधा छोटा इंच अदरक का लेकर और साथ में 2 मिर्च भी मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया। और उसके साथ मुझे चाहिए धनिया पत्ती सजाने के लिए 1/2 छोटा चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच मैंने MDH का किचन किंग मसाला लिया है, 1 चम्मच टमाटो सॉस ली है, और यहाँ पर 3 चम्मच मैंने मलाई की ली है फ्रेश, जो कि हर घर में उपलब्ध होती है। और साथ ही मैं ड्राई मसाले में ले रही हूँ जीरा 1/2 चम्मच लूँगी, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और देगी मिर्च फॉर कलर। और साथ ही मुझे चाहिए इसे पकाने के लिए रिफाइंड, मैं सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ, आप जो इस्तेमाल करते हो वो ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों बनाते हैं किरण की रसोई से वेज चिली पनीर। मैंने देखिए फ्राई पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच और इसे मैं गर्म होने दूंगी। मेरा ऑयल गरम हो चुका है, और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, और जीरे को पॉप होने दूंगी। और फिर मैं डालूंगी फटाफट से ये लहसुन अदरक का और प्याज का पेस्ट। ब्राउन होने तक मुझे इसे भूनना है। टमाटर तो हमारे बॉईल हुए हैं, पके हुए, तो इस मसाले को मुझे अच्छी तरह भूनना है। तो मैं इसे भूनने दूंगी ब्राउन होने तक। After 4 to 5 minutes. अब ये देखिए ये मसाला मेरा भुन चुका है। मसाला भुनने की निशानी यही है कि साइडों से ये सारा तेल आपका दिखने लग जाए और ये इकट्ठा हो जाए। तो कोई भी आपको अच्छी ग्रेवी बनानी हो तो मसाला अच्छी तरह भुनेगा। अब मैं ये बॉईल किए हुए टमाटर की ग्रेवी इसमें डाल रही हूँ। मैंने बॉईल किए हुए टमाटर इसलिए इस्तेमाल किए हैं, एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का, और पनीर की अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें आप बॉईल कर ही डालें टमाटर, तो उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, देगी मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ MDH का किचन किंग मसाला। इसे मैं अब इस ग्रेवी को मुझे थोड़ा चम्मच भूनना है।
देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इस ग्रेवी को। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस, चिली सॉस और मैं डाल रही हूँ मलाई। आप मलाई की जगह क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मलाई हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होती है तो इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो आसानी से आपके आसपास या आपके घर में ही उपलब्ध हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। कम से कम 3 से 4 मिनट सिम पर पकने देना है। ग्रेवी में कच्चापन नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकाना है और आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब ये पक जाएगी तो उसके साइडों से आपको ऑयल नजर आएगा, तब ये पकेगी। और मैं पनीर की ग्रेवी का एक सीक्रेट आपको और बताने जा रही हूँ। मैं इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेस्टोरेंट वाला टेस्ट हमें घर पे चाहिए तो हमें बटर और रिफाइंड का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। मलाई भी मैंने इस्तेमाल की है, तो अगर आपको टेस्ट चाहिए तो थोड़ा हेल्थ को भूलना ही पड़ता। और वैसे भी चिली पनीर तो पंजाबियों का खाना है और हम लोग इसे देसी स्टाइल में बनाते हैं, तो मक्खन मलाई के साथ पनीर तो दमदार होगा ही, जैसे पंजाबी दमदार होते हैं। देखिए साइडों से इसके ऑयल निकलने लगा है, जो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने मोटे काटे हुए प्याज डाले हैं और शिमला मिर्च जो मोटी कटी हुई, उसे मुझे इसे पकाना है। और हाफ डन ही मैं इसे रखूँगी, पूरा नहीं पकाना। डन होने तक इसे पकने दीजिए, फिर लास्ट में हम पनीर डालेंगे। अब देखिए शिमला मिर्च और प्याज मेरे हाफ डन हो चुके हैं, मुझे इन्हें पूरा नहीं पकाना है। और ग्रेवी भी मेरी पक चुकी है, साइडों से ये ऑयल निकल रहा है इसमें। अब मैं ये इसमें क्यूब्स में कटा हुआ पनीर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। वाओ, कितना अच्छा ये मेरा चिली पनीर दिखने में लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगा, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और पनीर के साथ मैं इसे कुछ ही देर पकाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। चिली पनीर गर्मा गर्म खाने को तैयार है। और मेरी अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लच्छा परांठा बनाने की विधि, तो इसके साथ आप उसे ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा और सभी को खिलाइए। किरण की रसोई से वेज चिली पनीर बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने को बिल्कुल तैयार। इसे मैंने एक बाउल में डालकर सजा रही हूँ
और ऊपर इसमें इसमें पनीर ग्रेट करके इसको डेकोरेट कर रही हूँ। देखते ही आपका खाने का मन करेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में भी, जब भी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, तैयार है वेज चिली पनीर। किरण की रसोई से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।